Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do more question on array which are frequently asked in an interview. So the first question is longest increasing subarray. So in this question we have given an array containing n numbers. So the problem is to find the length of the longest contiguous subarray so that every element in the subarray is strictly greater than its previous element in the same subarray. तो यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास एक एरे है, सपोज इस एग्जांपल को लेते हैं, हमारे पास एक एरे है जिसका जो लेंथ है, जिसका जो साइज है वो 9 है, विच मींस वी हैव 9 एलिमेंट्स इन एरे. ओके, सो इसमें ये बताना है कि हमें क्या बताना है. द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द लेंथ, लेंथ बतानी है किसकी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्यूस सब एरे. तो यार सब एरे वो होता है जैसे 5 एक सब एरे है, ठीक है, 5 6 3 एक सब एरे है, 5 6 5 ये पूरा एक सब एरे है, ठीक है. अगर मैं ये बात करूं 6 3 एक सब एरे है, बट अगर मैं कहूं 5 6 3 तो सब एरे है, बट अगर मैं कहूं यार 5 एंड 3 सब एरे है, 6 नहीं कंसीडर किया मैंने, जस्ट 5 और 3 सब एरे है, नहीं, सब एरे का मतलब ये कॉन्टिग्यूस मिलके, मतलब जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं वो हमें कंसिडर करने ही पड़ेंगे, तो वो सब एरे है. जैसे कि 9 1 2 एक सब एरे है, 7 8 एक सब एरे है, 9 8 7 8 9 सब एरे है, बट अगर मैं कहने लगू 5 7 8 सब एरे, यस, बट मैं कहने लगू 5 7 5 7 9 और 8 मैंने कंसिडर नहीं करा, समझ रहे हो ना, 8 मैंने कंसिडर नहीं करा, तो वो सब एरे नहीं होगा. मतलब सब एरे का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट जो कॉन्टिग्यूस पोजिशन पे है वो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा. अगर हमने जैसे 5 6 3 5 7 8 एक सब एरे है, अगर मैं कहने लगू 5 6 5 7 8 3 मैंने कंसिडर नहीं करा, तो वो एक सब एरे नहीं है, ठीक है. ये हमें पता चल गया कि जो आपस में एक दूसरे से लिंक है या कनेक्टेड है वो सब एलिमेंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो सब एरे में आता है. तो उन्होंने क्या करा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्यूस सब एरे सच डेट एवरी एलिमेंट इन द सब एरे, उस सब एरे का हर एक एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट इन द सेम सब एरे. मतलब हमारे पास एक एरे है तो हमें एक ऐसा सब एरे ढूंढना है, एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए. बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस एलिमेंट है जैसे कि 5, तो वो छोटा होना चाहिए उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से. उन्होंने कहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्यूस सब एरे, ओके, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि दैट एवरी एलिमेंट इन द सब एरे इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट. मतलब ये है कि जो आपका जो ये वाला एलिमेंट है जैसे 6 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. 3 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 6 से, तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. अब जैसे 3 जो है 6 से छोटा है तो हमारे पास ये जो है हम लेंथ को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना. जैसे मेरे पास 5 7 8 है, ये 5 7 8 9, तो अगर मैं देखूं यार 5 है, 7 जो है 5 से बड़ा है, यस बिल्कुल ठीक है, लेंथ इंक्रीमेंट करो. आप आए यहाँ पर 8 7 से बड़ा है, यस बिल्कुल सही है, इंक्रीमेंट करो. 9 जो है वो 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. कहने का मतलब सब एरे, तो आप समझ गए कि जो भी कॉन्टिग्यूस लोकेशन पे होता है वो सब एरे है. ओके, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे सो दैट एवरी एलिमेंट इन सब एरे जो उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है जस्ट उससे बड़ा होगा. जैसे 6 का प्रीवियस एलिमेंट कौन सा, 5 है. 3 का कौन है, 6 है. 5 का कौन है, प्रीवियस 3 है. 7 का प्रीवियस एलिमेंट कौन है, 5 है. 8 का प्रीवियस कौन है, 7 है. 9 का प्रीवियस कौन है, 8 है. 2 का प्रीवियस कौन है, 1 है. तो जो प्रीवियस एलिमेंट है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो मैंने यहाँ एक इस एरे को लिया है कि जिसमें मेरे 8 एलिमेंट 9 एलिमेंट्स हैं, जिसकी इंडेक्स हो जाएगी 0 to n-1, दैट इज 8 मेरे एलिमेंट्स ये हैं. तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक लिया, सबसे पहले मुझे मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट मैक्सिमम लेंथ, जो कि मैंने 0 1 से इनिशियलाइज करा, वो भी बताऊंगा क्यों इनिशियलाइज करा, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है मेरे सब एरे में या एरे में तो उसकी लेंथ 1 ही हो जाएगी, अभी उसको भी बताते हैं. तो मैं क्या कह रहा हूं, 4 int i = 1, i < n i++. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैंने कहा क्या है, मैंने कहा 4 int i = 1 से लेकर i < n i++. अब कोई सोचेगा 0 क्यों नहीं लिया, 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जो चलेंगे, हम यहां से चलेंगे i1 से कहां तक जाएंगे, i < n. n क्या है, n यहां पर है मेरा 9, n कितना है मेरे पास, 9 है. तो हम कहां तक चलेंगे, लेस देन n, मतलब कि हम जो चलेंगे फोर लूप जो हमारा चलेगा वो यहां तक चलेगा 8 तक, ठीक है. तो मैंने क्या करा, 4 1 से लेकर लेस देन n i++,
तो मैं कह रहा हूं इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या है ये? सॉरी मैं ये वाले उस पर आ गया हूँ, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन था ये, कोई नहीं यार, हो जाता है। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन मेरा ये है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यस। तो इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई माइनस वन, समझना क्या कह रहा हूं मैं। उसने कहा जो आपका जो एलिमेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, प्रीवियस एलिमेंट से। तो आई की वैल्यू कितनी है, वन है, तो एरे आई यानी एरे वन शुड बी ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, वन, एरे ऑफ वन शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है, वन माइनस वन, विच मीन्स वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब एरे ऑफ वन शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ वन, ये तो आपका ये वाला है एरे ऑफ वन, ये वाला, ये किससे बड़ा होना चाहिए यार, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो है इससे ये बड़ा होना चाहिए, एरे ऑफ वन तो ये है आपका, ठीक है, बट एरे ऑफ जो जीरो है वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है। तो सिक्स शुड बी ग्रेटर, क्योंकि सिक्स जो है नेक्स्ट एलिमेंट है, और सिक्स का प्रीवियस कौन सा है, सिक्स का प्रीवियस तो ये है यार फाइव, ठीक है, यानी एरे जीरो, तो सिक्स शुड बी ग्रेटर देन फाइव। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, अगर ऐसा है तो आपने क्या करा, अगर ऐसा है देन आप क्या कर दोगे, आप लेंथ को इंक्रीमेंट कर देंगे, मैक्स जो लेंथ है आपकी, मैक्स लेंथ को आप क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि मैक्स लेंथ आपने एक वेरिएबल लिया था जिसको आपने वन से इनिशियलाइज करा था। तो मैक्स लेंथ कितना हो गया, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस वन डेट इज टू, अभी इतनी है, टू है, ठीक है। इसके बाद कुछ एल्स होगा कि अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, तो अभी देखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा यार, आई प्लस प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस होके ये कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई टू, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, टू हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू टू है, माइनस वन, टू माइनस वन इज वॉट, डेट इज वन। तो मैं देखूंगा एरे टू पे जाता हूं मैं, तो एरे टू कौन सा है मेरा, या एरे टू जो है मेरा वो ये है, एरे टू ये है मेरा, एरे टू ये है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि एरे टू इज ग्रेटर देन एरे वन, एरे टू कितना है, एरे टू है आपका थ्री, थ्री जो है सिक्स से बड़ा है, नहीं भाई थ्री सिक्स से बड़ा नहीं है, थ्री जो है सिक्स से बड़ा नहीं है, अगर थ्री जो है, थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स, कुछ ये क्या है, थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स, तो यार ये तो फॉल्स है कि नहीं यार, ये तो है नहीं, तो आप जाओगे एल्स में, आप इफ कब चलेगा, जब थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स होता, बट थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स नहीं है, तो आप जाओगे एल्स में। तो इसमें क्या लिख दोगे, लेंथ जो मैक्सिमम लेंथ जो थी आपकी वो क्या हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी और ये वो वन पे ही आ जाएगी, यानी कि ये सब एरे में जो था, जिस सब एरे एक हमारा था फाइव से लेकर सिक्स तक जाओगे, जिसमें आपको खाली कितनी लेंथ मिलेगी, जिसकी लेंथ है टू, क्योंकि फाइव इज लेस देन सिक्स, क्योंकि फाइव उसका प्रीवियस एलिमेंट है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी थी हमारी, टू थी, ठीक है। बट जब हम आगे बढ़े हमारे थ्री पे, तो थ्री सिक्स से बड़ा है नहीं, तो मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी वन। तो हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो है मैक्सिमम लेंथ इस पूरे एरे में मैक्सिमम सब एरे लेंथ इस पूरे एरे में कितनी आई है, तो उसको ट्रैक रखने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया मैक्सी और मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ एलियन लेंथ। तो मैक्सी को मैंने इनिशियलाइज कराया इंट मैक्सी इज माइनस वन। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब जैसे मैंने आई वन पे था, आई इज लेस देन आई प्लस प्लस, तो एरे ऑफ वन कितना था आपका, एरे ऑफ वन था आपका सिक्स, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, यस, तो मैक्स लेंथ हो जाता प्लस प्लस, तो मैक्स लेंथ कितना आ गया था टू, एल्स उस टाइम पे चलेगा नहीं। तो मैक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सी विल बी वॉट, डेट इज मैक्स ऑफ वॉट, डेट इज मैक्स ऑफ, मैक्सी की वैल्यू इनिशियलाइज करी थी आपने माइनस वन से, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन कोमा मैक्स लेंथ कितना हो गया था यहाँ पर, वन प्लस वन डेट इज टू, क्योंकि जो सिक्स था वो फाइव से बड़ा था। तो मैक्सी अब कितना है, मैक्सी की जो वैल्यू अब चल रही है अभी टू है, कि मैक्सी में जो रखा है, जो स्टोर करा दिया मैंने, वो टू है, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद में आया था आई प्लस प्लस हो जाएगा यानी टू पे, तो एरे टू इज ग्रेटर देन एरे वन, यानी कि थ्री थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स, फॉल्स, तो एल्स चलेगा। तो मैक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर से वन हो जाएगी, और मैक्सी में क्या जाएगा, मैक्सी में जाएगा मैक्स ऑफ मैक्सी, मैक्सी कितना है अभी यार, मैक्सी यहाँ पर था टू, क्योंकि आपने टू हो गया था प्रीवियस, उसमें देखा ना आइट्रेशन में टू हो गया था, और मैक्स लेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है, मैक्स लेंथ आ रही है यहाँ पर वन, आपने देखा मैक्स लेंथ आ रही है यहाँ पर वन, तो दोनों में से कौन बड़ा है, टू और वन में से टू है, तो मैक्स मैक्सी की लेंथ कितनी रहेगी, अब भी टू ही रहेगी, क्योंकि मैक्स लेना है हमें। उसके बाद आपने आई प्लस प्लस करा,
तो आप कहां पर आ गए, जब आपने i प्लस प्लस करा तो आप यहां पर आ जाओगे 0 1 2 3 एरे 3 पे। तो आप देखोगे भाई एरे 3 इज ग्रेटर देन एरे 2, यानी 5 जो है 3 से बड़ा है। आप किस पे हो, आप एरे 3 पे हो और आप 3 माइनस 1 डेट इज 2, तो आप किस पे हो 0 1 2 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, यस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी, मैक्स लेंथ विल बी प्लस प्लस। तो मैक्स लेंथ पहले आप कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, ठीक है, तो मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी, मैक्स लेंथ हो जाएगी 1 प्लस 1 डेट इज 2। उसके बाद मैक्सिमम आ जाओगे, मैक्सिमम डालोगे, मैक्सिमम कितना था पहले में 2 था, मैक्स लेंथ कितना था 2, तो 2 कोमा 2 विल बी व्हाट, 2 कोमा 2 विल बी 2, तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 और 2 में से 2 ही बड़ा है। उसके बाद आप i प्लस प्लस हो जाएगा, तो i प्लस प्लस हो गया, आप कहां आ जाओगे यार, i प्लस प्लस हो गया, आप आ जाओगे यहां पर 4 पे, 4 पे, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, आप किस पे आ गए, आप आ गए अभी 4 पे, आप आ गए अभी 4 पे, तो आए हो 0 1 2 3 यस 4, तो 4 एरे 4 इज ग्रेटर देन एरे 3, व्हिच मींस आप क्या कह रहे हो, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, व्हिच मींस 3, एल्स चलेगा नहीं इस केस में, तो मैक्सी विल बी व्हाट, मैक्स ऑफ मैक्सी कितना था प्रीवियस उसमें 2 था, मैक्स लेंथ अब कितना है, मैक्स लेंथ कितना है अभी इसमें 2 3 हो गया, तो मैक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब ग्रेट होकर 3 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सी जो था प्रीवियस उसमें तो 2 था, ठीक है, और मैक्स लेंथ अब कितना है 3 है, तो 2 और 3 में से कौन बड़ा है 3, तो मैक्सी में अब 3 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस कर दोगे तो आप कहां आ जाओगे, आई प्लस प्लस जब आप करेंगे आप यहां पर आ जाएंगे एरे 5 पे, तो एरे 5 इज ग्रेटर देन व्हाट, एरे 5 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 7, यस, तो मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, मैक्स लेंथ हो जाएगा आपका प्लस प्लस, विच मीन्स 4, एल्स चलेगा नहीं, तो मैक्सी विल बी व्हाट, मैक्सी कितना था प्रीवियस केस में, मैक्सी था प्रीवियस केस में 3 आपने देखा था, और मैक्स लेंथ इसमें कितना है 4 है, तो 3 और 4 में से कौन बड़ा है यार, 4 बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत सही, तो मैक्सी की अब ग्रेडेड वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। उसके बाद आई प्लस प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस करके आप यहाँ रीच कर दोगे 9 पे, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, यस, जब अगर ऐसा है तो मैक्सी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी अब 5, ठीक है, एल्स चलेगा नहीं, तो मैक्सी विल बी व्हाट, मैक्सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 4 थी पहले उसमें, मैक्स लेंथ कितना आ गया 5, तो 4 और 5 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। आई प्लस प्लस करोगे आप कहां पहुंच जाओगे यार, अब आप आ जाओगे यहां पर, दूसरा कलर लेता हूं मैं, अब आप आ जाओगे यहां पर, अब आप आ जाओगे यहां पर, तो 1 इज ग्रेटर देन 9, नहीं यार 1 इज ग्रेटर देन 9 नहीं है, अगर एल्स में आ जाओगे, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो एल्स क्या कह रहा है, मैक्स लेंथ जो भी थी आपकी अब उसको कर दो 1, ठीक है, अब आप आओगे मैक्सी में, मैक्सी इज व्हाट, मैक्सी, मैक्सी कितना था प्रीवियस केस में, मैक्सी कितना था अभी, 5 था, मैक्स लेंथ कितना बता रहा है ये 1, तो 5 और 1 में कौन बड़ा है यार, 5 है, तो 5 ही रहेगी। उसके बाद i प्लस प्लस हो जाएगा, i प्लस प्लस हो गया आप कहां पर आ जाओगे, i प्लस प्लस हो गया आप आ जाओगे यहां पर, ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, बहुत सही, तो मैक्सी कितना हो जाएगा अभी, मैक्स लेंथ हो जाएगा 1 था पहले, अब कितना हो जाएगा 2, बहुत सही, एल्स चलेगा नहीं, तो मैक्सी इज व्हाट, मैक्स ऑफ मैक्सी, मैक्सी कितना था हमारा 5 था, मैक्स लेंथ कितना बता रहा है इसमें 2, तो 5 और 2 में से कौन बड़ा है यार, 5 ही बड़ा है। तो जब आप रिटर्न कराएंगे मैक्सी, जब आप रिटर्न कराएंगे क्या मैक्सी, तो आपको कितना मिलेगा, आपको 5 मिल जाएगा। आप इसको कंपाइल एंड रन कराइए एक बार, कंपाइल एंड रन करा के आपको मैक्सी 5 मिल जाएगा यहाँ पर, यस, इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो क्या आएगा, इसको जब हम सबमिट करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे, लेट मी चेक ये क्या बता रहा है, ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा अगर हमारे पास एक एरे है जिसका एलिमेंट 1 है, जिसमें एलिमेंट जिसका साइज 1 है, एक एरे है जिसका साइज 1 है और उसमें सिर्फ एक 13 यानी एक ही एलिमेंट पड़ा है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3, इन्होंने 13 दे रखा है यहाँ पर, तो आपका जो कोड का आउटपुट बता रहा है वो बता रहा है -1 और इसका करेक्ट आउटपुट क्या है 1 है, ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर कि इफ, अगर एरे का साइज यानी एन उसका साइज है, अगर एन जो है 1 है, तो आप रिटर्न कर दोगे व्हाट, आप रिटर्न कर दोगे यहां पर 1, क्योंकि उसका जो लॉन्गेस्ट सब, अगर मेरा साइज एरे का 1 है तो उसका जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे रहेगा वो 1 ही रहेगा, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये चल जाएगा, समझ रहे हो ना, अगर मेरा एक एरे है जिसमें मेरा खाली एक ही एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, तो उसका जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे रहेगा तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। तो आपको समझ आया मैंने क्या करा, मेरे पास एक एरे था, मुझे बताना था लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे, सब एरे वो होता है जो कि कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स पड़े होते हैं, अगर जैसे 56357 है या 8912, पूरा एक एरे ये सब एरे है, बट मैं कहने लगूं कि यार 5635 है बट उसमें मैंने 6 को कंसिडर नहीं करा, यानी 535 है, तो ये इंक्रीज सब एरे नहीं हुआ, ये सब एरे नहीं हुआ, सब एरे कौन सा होगा
एक के बाद पूरा हम सारे एलिमेंट को जो कनेक्टेड है एक दूसरे से साइड बाय साइड उनको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 5, 6, 3, 5, 7, 8 ये सब एरे है, बट मैंने 5 को कंसिडर नहीं करा, ये वाले 5 को, तो ये सब एरे नहीं होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट को जो कॉन्टिग्यूस लोकेशन पे है उसको मैं कंसिडर करूंगा। इन्होंने बोला था लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे, कंडीशन क्या थी कि जो प्रीवियस एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए, विच मीन्स जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है ये इट शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो मैंने क्या लिया, एक फोर लूप लगाया मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या रखा, इंट मैक्सिमम लेंथ लिया एक वेरिएबल जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कराया, ठीक है। एक मैक्सी ली जिसको मैंने -1 से एज पर क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप -1 यहाँ रिटर्न कराओगे, ठीक है। तो मैंने क्या, अगर अगर एरे का साइज 1 है तो इट ऑलवेज रिटर्न 1, क्योंकि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे 1 रहेगा। तो मैंने फोर लूप लगाया जो कि कहां से इनिशियलाइज होगा, यार वो 1 से लेकर होगा, तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, वो एन तक जाएगा। तो 1 यानी कि 1 से लेकर कहां तक जाएगा, वो एन तक जाएगा, यानी कि 1 से लेकर जैसे एन यानी कि 8। तो मैंने क्या करा कि भाई अगर आपका एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई माइनस वन, यानी कि अगर आपका जो एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तो मैक्सिमम लेंथ इंक्रीमेंट करोगे, एल्स मैक्सिमम लेंथ फिर से अपडेट कर दोगे 1 पे। एक मैक्सी आपने एक वेरिएबल लिया जो कि ट्रैक रखेगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है अब तक पूरे एरे में, तो वो ट्रैक रखेगा। फिर आपने क्या करवा दिया, रिटर्न मैक्सी करवा दिया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो यू हैव गिवन एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव नंबर, द टास्क इज टू फाइंड द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द एरे। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन एरे इज पोजिशन सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट बिफोर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर इट। कहने का मतलब ये है, कोई एक आपके पास एरे है, सपोज ये एक एरे है जिसका साइज है 5, तो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे पहले का जो सम है एरे का, यानी कि जो जैसे सपोज इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 5 है। क्यों? क्योंकि 5 से पहले कितने एलिमेंट पड़े हैं, 2, तो उनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 + 1 डेट इज 4, ठीक है। और 5 के बाद एलिमेंट पड़े हैं 2, तो जब इनको ऐड करोगे क्या आएगा, 2 + 2 = 4, तो 3 + 1 = 4 और 2 + 2 = 4 बिल्कुल बराबर है, यस। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जिससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका सम प्लस 5 उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उसका सम इक्वल है, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 है तो 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसमें कोई उसकी बात है नहीं। तो हमने क्या करा, हम इसको ऐसे समझते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं यार इस क्वेश्चन को, अमेजिंग क्वेश्चन है। तो मेरे पास एक 5 साइज का एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 3, 5, 2, 2, तो मैंने क्या अप्रोच रहेगी इसमें, अप्रोच ये रहेगी एक 1, 3, 5, 2, 2 है, तो जब इस पूरे एरे का आप सम करोगे तो कितना आएगा, 13। कैसे, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13। तो आपने क्या करा, तो इसका सम कितना आया, इसका सम आ गया 13, ठीक है। अब आपने फिर से क्या करा, फिर से आपने इस एरे को, फिर से आपने क्या करा यार, फिर से आपने इस एरे को ये वाला जो ये वाला एरे सॉरी ये वाला जो एरे है दोबारा से फोर लूप लगाया और ट्रेवर्स करा, सेम एरे को ट्रेवर्स करा। आपने एक वेरिएबल लिया करंट जो कि इनिशियलाइज कराया, करंट डेट इज 0। आप क्या कर रहे हो यार, मैं पूरा पहले करके दिखाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया इन टोटल सम के नाम से जो कि अभी 0 है, मान लीजिए 0 है। उसके बाद आपने क्या करा, पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट है आपको कैलकुलेट कैलकुलेट एरे टोटल सम, यानी कि टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने क्या करा, फोर लूप लगाओगे, इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन तक जाएगा, फिर आई प्लस प्लस है, ये क्या कर देगा, टोटल सम हमारा निकाल के दे देगा, हमें टोटल सम निकाल के दे देगा पूरा एरे का, ठीक है, एरे का, एरे ऑफ आई। यानी कि क्या करेगा ये, आपका 0 से लेकर आई इज लेस देन एन तक जाएगा, जो कि क्या करेगा, पूरा टोटल सम जितना भी है एरे का वो निकाल के दे देगा। जैसे इस उसमें हमारा जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है, इस उसमें हमारा टोटल सम 13 आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद जो स्टेप टू है, स्टेप टू के लिए मैंने एक करंट वेरिएबल लिया करंट जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप टू कर रहा हूं मैं, स्टेप टू है, स्टेप टू क्या करूंगा, फोर लूप लगाऊंगा जो कहां से लेकर कहां तक जाएगा, एंड आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसमें मैंने क्या करा यार, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करा, करंट प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, करंट प्लस इज इक्वल्स टू एरे का मतलब यही है, करंट इज इक्वल्स टू करंट प्लस एरे ऑफ आई, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब सेम है। ऐसे इसमें टोटल सम प्लस इज इक्वल टू एरे का मतलब ये, टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस एरे ऑफ आई,
दोनों चीज सिमिलर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हमने स्टेप टू में क्या देखा कि फॉर लूप लगाएंगे वो कहां जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, करंट विल बी करंट ऑफ एरो 5। तो सबसे पहले करंट क्या है, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट अभी करंट इज इक्वल टू करंट प्लस एरो 5, तो करंट इज इक्वल टू करंट जो कि 0 है प्लस एरो 5 एरे आई यानी आई 0, एरे 0 कितना है दैट इज 1, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मैंने क्या करा यार, इफ अगर किसी पॉइंट पे करंट की वैल्यू टोटल सम के बराबर अगर आ जाती है देन आप क्या करोगे, देन यू हैव टू रिटर्न आई। ओके देखते हैं दूसरा केस क्या है, दूसरा केस नहीं सॉरी, टोटल सम क्या होता रहेगा, टोटल सम जो है वो हर बारी रिड्यूस होता रहेगा किससे, एरे 5 से। ये इसका मतलब भी वही है, टोटल सम माइनस, यानी इसका मतलब ये टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम माइनस एरे 5। ये डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब या तो आप ऐसे लिख सकते हो टोटल सम इज इक्वल टोटल सम माइनस एरे 5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि टोटल सम माइनस इज इक्वल टू एरे 5, दोनों का मतलब सेम है। इसमें क्या हो जाएगा, अब टोटल सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं ऐसे लिख देता हूं यार जिससे कोई कंफ्यूज ना हो, टोटल सम इज इक्वल टू टी ओ टी एल टोटल सम माइनस एरे ऑफ आई। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये जो आपका टोटल सम है अभी वो कितना हो जाएगा, टोटल सम, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कमेंट, टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम विल बी, टोटल सम की वैल्यू कितनी थी यार 13 थी आप देख सकते हैं, तो टोटल सम विल बी 13 माइनस एरे ऑफ आई, आई क्या है अभी 0, तो एरे 0 कितना है दैट इज 1, तो 13 माइनस 1 दैट इज 12। ओके इसका अब पूरा आप कैसे देखते हैं, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, आपने टोटल सम निकाला जो 13 आया, उसके बाद आपने करंट वेरिएबल ये जो कि 0 से इनिशियलाइज करा, फिर आपने क्या करा फॉर लूप फिर से चलाया, आपने देखा करंट आई 0 पे, तो करंट विल बी करंट ऑफ एरे 5, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट अभी 0 पे था तो करंट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 क्योंकि एरे 0 कितना था 1, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो मैंने अब ये देखा कि करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1, टोटल सम की वैल्यू कितनी है 13, अरे करंट की वैल्यू कितनी है 1 है, टोटल सम की वैल्यू है 13, तो 1 जो है 13 के बराबर है यार नहीं है, तो ये तो इफ तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। आप अब आप आए ये वाली लाइन पे, लाइन नंबर 26, तो टोटल सम में से क्या होगा, हमेशा एरे का हर एक एलिमेंट एक एक बारी करके माइनस होता रहेगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, वरना रिटर्न माइनस 1 कर दोगे। इसमें क्या है, टोटल सम विल बी टोटल सम माइनस एरे 5, टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम अभी कितना है 13 है, तो 13 माइनस एरे 5, एरे 0 कितना है 1, तो 13 माइनस 1 12, ठीक है। उसके बाद आप गए i++ हो, तो आप किस पे आ गए, आप आ गए 3 पे, तो आपने क्या करा, करंट विल बी करंट प्लस एरे 5, करंट विल बी करंट प्लस एरे 5, तो करंट विल बी करंट, करंट की वैल्यू कितनी 1 है, प्लस एरे 5, एरे 1 कितना है, एरे 1 है आपका 3 प्लस यानी कि 3 है, एरे 1 कितना है 3, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हो जाएगी 4। अब आप फिर से चेक करोगे करंट, करंट कितना हो गया अभी 4 है, तो 4 विल बी टोटल सम, टोटल सम कितना है अभी आपका 12 है, तो 4 जो है 12 की बराबर है, नहीं भाई 4 12 की बराबर नहीं है, तो इफ चलेगा नहीं। उसके बाद आप आ जाओगे टोटल सम में, टोटल सम विल बी टोटल सम माइनस एरे ऑफ आई, तो टोटल सम क्या है, टोटल सम अभी टोटल सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल सम हमारा था अभी 12 था, ठीक है, माइनस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 1 दैट इज 3, तो 3 यानी कि 12 में से अगर 3 आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 अगर आपने माइनस करा देन इट विल बी 9, इट विल बी 9। फिर आप जाओगे i++ हुआ, ठीक है, तो i यहां पर आ गए, अब आप यहां पर आ गए 5 पे, तो करंट विल बी करंट प्लस एरे ऑफ i, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू कितनी थी पहले 4 थी, प्लस प्लस एरे ऑफ i यानी कि एरे ऑफ 0 1 2 यानी कि एरे 2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 प्लस 5 दैट इज 9, 9 हो गया, ठीक है। फिर आपने चेक करा कि करंट इज इक्वल्स टू टोटल है, ये इज इक्वल्स टू है, करंट इज इक्वल्स टू टोटल सम, करंट की वैल्यू कितनी हो गई अभी 9 है, और टोटल सम हमारा कितना है यार 9 ही तो था, ठीक है, तो टोटल सम कितना था 9 था, तो करंट की वैल्यू टोटल सम की वैल्यू 9 है, यस, तो क्या कर दो कि रिटर्न आई। इसमें क्या है, जैसे 5 पे है तो हमें इंडेक्स कौन सा बताना, इंडेक्स बताना है, बट ये जीरो इंडेक्स नहीं है, जीरो बेस्ड इंडेक्स नहीं है, इन्होंने साफ दे रखा है इट इज वन बेस्ड इंडेक्स, क्यों, क्योंकि 5 अगर हम 0 से लें तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स पाएगा, बट ये 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स 1 बेस्ड इंडेक्स है ये, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना कि 0 से, तो ये 1 इंडेक्स पाएगा, 3 2 इंडेक्स पाएगा, और जो 5 है वो किस पाएगा, 5 आ जाएगा आपका 3 इंडेक्स पे। तो आप कुछ नहीं करोगे, आपने तो 0 इंडेक्स लिया तो i प्लस 1 कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, एल्स अगर हमें नहीं मिलता है तो रिटर्न कर दोगे माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सबसे पहले कंपाइल एंड रन, तो देखते हैं क्या मिलेगा, फोर एरे, ओके, तो यार ये इसका नाम ARR है मैंने, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से चलाते हैं, देखते हैं क्या है, यस, इसको जब आप सबमिट करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर
आ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या क्या था? मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था जिसका जिससे मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था, जैसे फाइव है इसमें ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम प्लस उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स यानी राइट एलिमेंट्स उनका सम इक्वल हो, तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहला स्टेप ये कि जितना भी जो भी एरे में एलिमेंट्स पड़े हैं सबसे पहले उनका टोटल सम निकालो। तो टोटल सम एरे का सम ऑफ एरे एलिमेंट्स यानी कि टोटल सम जितने भी एरे एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें पांच एलिमेंट्स पड़े थे तो पांचों का सम कितना आया भाई मेरा आ गया 13। बहुत सही। उसके बाद आपने करंट एक वेरिएबल लिया और जो टोटल सम है वो जीरो से इनिशियलाइज कराया स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपने एक करंट वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, जीरो से इनिशियलाइज कराया। फिर से मैंने फॉर लूप लगाया जो कि जीरो से लेकर एन तक जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं एक करंट में एक वेरिएबल यानी कि पहला वेरिएबल ऐड करूंगा डेट इज वन, फिर चेक करूंगा जो करंट है टोटल सम के बराबर है, मैं कहूंगा नहीं है। उसके बाद करूंगा टोटल में से वन को माइनस कर दूंगा ये वाले एलिमेंट को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे जाऊंगा आई प्लस, तो मैं करंट में क्या करूंगा वन प्लस थ्री ये कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं चेक करूं टोटल सम के बराबर है, वो कह रहा नहीं, तो मैं क्या करूंगा वन थ्री इन दोनों को माइनस कर दूंगा टोटल सम में से, क्योंकि एक एक बारी हो रहे हैं। उसके बाद मैं फाइव पर जाऊंगा, फिर मैं करंट में इसकी वैल्यू ऐड करूंगा, देखूंगा टोटल सम के बराबर है, वो कहेगा यस, देन क्या कर दूंगा रिटर्न आई प्लस वन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में क्या कर दूंगा रिटर्न माइनस वन, के नहीं भाई ऐसा नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है वाला। तो इसको लीव कर देते हैं यहां से, लीव। अब एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्या कह रहा है, साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन, सो यू हैव गिवन एन एरे सो यू हैव टू रोटेट द एरे बाय वन पोजिशन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सपोज वी हैव एन एरे, हमारे पास एक एरे है जिसका साइज 5 है, उसमें एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1 2 3 4 5। तो इन्होंने क्या करा, आपको रोटेट करना है एरे का पोजिशन एक बारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, जब जिस वे में हमारा क्लॉक यानी जो हमारा घंटा होता है जिसमें आर सेकंड टाइम पूरा गिवन होता है, तो ये ऐसे रोटेट करता है ऐसे, समझ रहे हो ना, जैसे 12 यहां है फिर 1 यहां है फिर 2 यहां है 3 यहां है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे ये ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉक हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना, मैं यहां बता देता हूं यार, क्लॉकवाइज जो रहता है वो ऐसे रहता है ये ऐसे इस वे में, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहता है वो रहता है ऐसे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा तो बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे हमारे पास एरे में 1 2 3 4 5 है, तो उन्होंने क्या करा, आपको खाली एक पोजीशन आपका रोटेट करना है, रोटेट द एरे बाय वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच मीन्स एक पोजीशन जब आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हटाई यानी 1 2 3 4 5 है, तो क्या हुआ आपका रिजल्ट जो आएगा, सबसे पहले आएगा 5, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, समझ रहे हो ना। अगर 2 होता यानी कि 2, इन्होंने क्या करा सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से लेंगे यहां से सबसे पहले 5 एक बार हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे जाओगे तो आगे कौन सा मिलेगा आपको एलिमेंट 1 मिलेगा, उसके बाद आगे जाओगे तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा 2, उसके बाद आगे जाओगे तो 3 मिल जाएगा, उसके बाद 4 मिलेगा। अगर वो कहता 2 तो सबसे पहले क्या होता यार 5 4 आ जाता, फिर 5 आ जाता, उसके बाद क्या आता यार मेरा 1 आ जाता, उसके बाद क्या आता 2 आ जाता, फिर मेरा 3 आ जाता लास्ट में, ऐसे है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल अप्रोच है बहुत, और ये तो वन है, कुछ भी हो सकती है पोजीशन, तो इट्स अप टू द क्वेश्चन, कोई भी पोजीशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें वन है तो वन के लिए हम देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पांच एलिमेंट है 0 1 2 3 4, ये इनकी इंडेक्स है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो मैंने एक टैंप एरे लिया है, टैंप एरे लिया है मैंने, उससे मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। तो टैंप एरे का भी साइज 5 ही रहेगा क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमारे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो मैंने एक सबसे पहले क्या लिया यार, मैंने एक टैंप एरे लिया जिसका साइज क्या है, जिसका साइज है एन, ठीक है। सबसे पहले स्टेप ये, स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले स्टेप ये ट्रेवर्स एरे एरे एंड इंसर्ट एलिमेंट्स इन टैंप। कैसे, किस वे में इंसर्ट करेंगे, उन्होंने क्या करा, टैंप आई प्लस वन परसेंटाइल एन विल बी एरे, ओके सॉरी फोर लूप तो लगाए नहीं मैंने, बहुत सही बात थी, फोर लूप लगाएंगे कहां से लेकर कहां तक, पूरा एरे किसको ट्रेवर्स कर रहे हैं आप, आपको ट्रेवर्स एरे करना है और इंसर्ट किस में वैल्यूज करनी है, टैंप में। तो मैंने क्या करा, फोर इंट आई जीरो से लेकर आई इज लेस देन एन तक जाओगे आप, ठीक है, आई प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि ये वाले एरे को आप ट्रेवर्स कर रहे हो, ये वाले एरे को आप ट्रेवर्स कर रहे हो एरे को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एरे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या हो रहा है, यानी कि 0 से लेकर i इज लेस देन i प्लस प्लस, तो मैंने क्या करा, temp i प्लस 1, ठीक है, percentile d, सॉरी ये n साइज है तो n आएगा, n will be array of i। बहुत अमेजिंग अप्रोच है, देखना कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। सबसे पहले i क्या है, i 0 पे है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, temp है उसमें क्या जाएगा, ये आपका जा रहा है i, i कितना है 0, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, दैट इज 1, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, अरे i 0 था तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 परसेंटाइल n, n की वैल्यू कितनी है यार, n की वैल्यू हमें 5 है, तो 1 परसेंटाइल 5, तो अगर किसी को नहीं पता मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 परसेंटाइल 5 का मतलब ये होता है जब 1 डिवाइड होगा 5 से। एक चीज और है छोटी सी, अगर 5 परसेंटाइल 5 है तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा, अगर 1 परसेंटाइल 5 है तो रिजल्ट 1 आएगा, ऐसे ही 2 परसेंटाइल 5 है तो रिजल्ट 2 आएगा, 4 परसेंटाइल 5 है तो रिजल्ट 4 आएगा, मतलब अगर 5 है और 5 से छोटी वैल्यू को हम परसेंटाइल करा रहे हैं तो वैल्यू वो जो छोटी होगी वही आ जाएगी, जैसे 1 परसेंटाइल 5 दैट इज 1, 2 परसेंटाइल 5 दैट इज 2, 4 परसेंटाइल 5 दैट इज 4, बट अगर मैं करूं 6 परसेंटाइल 5 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, क्यों, क्योंकि अगर आप 6 को डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये जो मॉड्यूल होता है ये क्या है, ये रिमाइंडर देता है आपको, रिमाइंडर देता है। ऐसी अगर 7 परसेंटाइल 5 करवाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इट विल गिव यू 2, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो हमने क्या करा है, टैंप आई प्लस 1 परसेंटाइल आई 1, तो आई क्या है अभी 0 है, तो टैंप i यानी 0, 0 plus 1 that is 1, तो 1 percentile n, n कितना है 5, तो 1 percentile 5, तो 1 percentile 5 कितना होता है, that is 1, which means 1 percentile 5 कितना होगा, 1, ठीक है, यानी कि temp की 1, temp 1 will be what, array of i, और i कितना है 0, array 0, मतलब जो temp है, ये जो temp है आपका, इसमें जो ये वाला position है, यानी ये वाली जो position है, ये वाली, यानी temp का ये जो 1 है, इसमें क्या आएगा, एरे की ये वाली वैल्यू जो इंडेक्स 0 पे है, समझ रहे हो ना, उन्होंने क्या करा, टैंप 1, तो टैंप 1 क्या है यार, ये वाला है टैंप, क्योंकि ये हमने क्या लिया था, ये जो टैंप, ये तो टैंप है, तो टैंप का 1 में क्या आएगा, टैंप के 1 में आएगा एरे की 0 वैल्यू, यानी कि जो इंडेक्स एरे का जो एलिमेंट है इंडेक्स 0 की वैल्यू, इंडेक्स 0 तो एरे 0 कौन सी है, 1, टैंप 1 में क्या आएगी, एरे की इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है, तो हम इंसर्ट कर देते हैं यहां पर अभी 1, समझ रहे हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी 1, कौन सी वैल्यू है यार, ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद i प्लस प्लस होगा, ठीक है, i प्लस प्लस होके क्या आ जाएगा, i कितना हुआ यहाँ पर, अब i हो गया 1, अभी आप आ गए हो यहाँ पर एरे की, अब कौन सी वैल्यू पे आ गए हो आप, अब आ गए हो आप यहाँ पर, क्योंकि i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे आपने क्या करा, i प्लस 1, i कितना है 1, तो 1 प्लस 1 डेट इज 2, अरे 2 हो गया ना, 2 है, परसेंटाइल 5, n की वैल्यू 5 थी तो 2 परसेंटाइल 5, जैसे मैंने आपको बताया 2 आ जाएगा, तो 2 परसेंटाइल 5 दैट इज 2, एरे ऑफ i, i कितना है अभी 1 पे है, इंडेक्स 1 पे हो आप, तो temp की 2, यानी कि temp 2, यानी कि ये वाले, ये जो है आपका ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, temp की 2 वैल्यू क्या है, temp के 2 में कौन सी आ जाएगी, एरे की 1, एरे की 1 पे जो पड़ी हुई है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू किस में आएगी यार, ये वाले में, तो क्या रख दूं मैं यहां पर, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली मैं रख दूंगा 2, समझ रहे हो ना, temp के 2 में कौन सी वैल्यू आएगी, एरे की 1 की, एरे एट इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी temp 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, अब i की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, यहां से हटके i, ये तो हट जाएगा, ये वाली जो वैल्यू, ये तो हट जाएगी, क्रॉस लगाओ, अब i कहां है, आपका जो i है वो यहां पर है, ठीक है, तो i किस पे, 2 पे, i किस पे, यानी कि 2 पे, विच और इंडेक्स 2, और इंडेक्स 2 पे एरे की कितनी, कौन सी वैल्यू है, 3 पड़ी हुई है, ठीक है, तो आई की वैल्यू हो गई 2, तो 2 आई टैम आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 इज व्हाट, दैट इज 3, तो 3 परसेंटाइल 5 कितना होता है, अरे आई प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया, 3 परसेंटाइल 5 है, 3 परसेंटाइल 5 विल बी व्हाट, 3 हो जाएगा, तो टैम की 3 पे कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 2, क्योंकि आई की एरे ऑफ आई आई की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि टैम के 3 में, यानी कि ये वाली उसमें, ये जो टैम का 3 है, ये टैम का जो 3 है, ये यानी कि टैम का जो 3 है, ये इसमें कौन सी आएगी, एरे की 2 पे, एरे एट इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि 3, तो कौन सी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप गए आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस हो गया यार, आई पहले यहाँ था इंडेक्स 2 पे, अब किस पे आ जाएगा आई, अब आ जाएगा इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, इंडेक्स 3 पे 4 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो इंडेक्स 3 पे आई की वैल्यू हो गई 3, तो टैम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, डेट इज 4,
फोर हो जाएगा, फोर परसेंटाइल एन, एन कितना है फाइव, तो फोर परसेंटाइल फाइव कितना होता है, डेट इज फोर होता है बिल्कुल। तो टेम फोर में कौन सी आ जाएगी, एरे आई, आई की आई कहाँ है अभी, आई तो आपका देखना थ्री इंडेक्स पे था, ठीक है। तो टेम फोर में कौन सी आ जाएगी, एरे एट इंडेक्स थ्री। तो टेम फोर में कौन सी आ जाएगी, इसमें कौन सी आएगी वैल्यू, जो इंडेक्स थ्री पे, इंडेक्स थ्री पे क्या पड़ा हुआ है, फोर पड़ा हुआ है, तो फोर आ जाएगी वैल्यू, फोर आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू होती तो वही आ जाती, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई थ्री पे था, इंडेक्स थ्री पे था, अब इंडेक्स किस पे आ जाएगा यार, इंडेक्स आ जाएगा अब इस पे फोर पे, ठीक है, इंडेक्स किस पे आ जाएगा फोर पे, ठीक है जी। तो आई कितना है, फोर है, आपने देखा ना आई की वैल्यू कितनी होगी, फोर इंडेक्स पे, तो आई फोर, फोर प्लस वन डेट इज फाइव, फोर प्लस वन डेट इज फाइव, परसेंटाइल फाइव, परसेंटाइल फाइव, तो फाइव परसेंट, जब फाइव को फाइव से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा यार, जीरो आ जाएगा। अरे फाइव मॉड्यूलो फाइव, विच मीन फाइव को जब फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये जो क्या है, ये रिमाइंडर है यार, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जीरो, तो फाइव परसेंटाइल डेट इज फाइव कितना आएगा, जीरो। तो टैंप जीरो पे कौन सी वैल्यू चढ़ाऊं मैं, जो एरे इंडेक्स फोर पे है, क्योंकि आई कितना था फोर, तो टैंप जीरो यानी कि ये वाले ब्लॉक में कौन सी वैल्यू आएगी, टैंप जीरो पे कौन सी, जो इंडेक्स फोर पे पड़ा हुआ है, विच मीन्स डेट इज फाइव। तो टैंप की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव वन टू थ्री फोर, हमें क्या चाहिए था, फाइव वन टू थ्री फोर, वॉइड में है ये, वॉइड में, इसलिए हम कॉपी करवा देंगे दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू हो जाएगा कॉपी वैल्यूज फ्रॉम टैंप टू एरे, यानी कि एरे, तो कहां से लेकर कहां तक, पूरा टैंप ट्रेवर्स करोगे, फोर इंट आई जीरो से लेकर आई इज लेस देन आई प्लस प्लस, अरे पूरा ये जो टैंप है यार मेरा, ये जो टैंप है, मैं कलर चेंज करता हूं, ये जो पूरा टैंप है मेरा, ये पूरा ट्रेवर्स करोगे और कॉपी कर दोगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई विल बी व्हाट, एरे ऑफ आई विल बी टैंप ऑफ आई, समझना कैसे, आई की वैल्यू कितनी है जीरो, तो एरे जीरो पे क्या आएगा यार, आई कितना है जीरो, तो एरे जीरो पे कितना आ जाएगा, जो टैंप जीरो होगा, क्योंकि टैंप ऑफ आई, टैंप जीरो, तो टैंप जीरो क्या है यहाँ पर, फाइव है, तो एरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। अब एरे में जो वैल्यू आएगी, जो आपने अगर आप एरे बनाओ, ये एक एरे लिया, तो एरे जीरो यानी ये इंडेक्स जीरो है, ठीक है, तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो टैंप जीरो है यानी कि फाइव, ठीक है। फिर आपने आई प्लस प्लस करा, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया, तो आप आ गए वन पे, तो एरे वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो टैंप वन पे है, मैंने कहा टैंप वन पे कितनी वन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स वन यानी कि वन। आई प्लस प्लस करोगे एरे टू पे कौन सी हो जाएगी, जो टैंप टू है, तो टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस करोगे, जो इंडेक्स थ्री पे वही थ्री पे आ जाएगी, जो इंडेक्स फोर पे है वैल्यू वो ही एरे इंडेक्स फोर पे आ जाएगी, यानी कि जीरो वन, ये तो इंडेक्स था इसका टू थ्री फोर, तो जो एरे की वैल्यू कॉपी हो क्या आई, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने जस्ट कॉपी किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा एरे में, ये ना एरे की वैल्यू अब अपडेट होकर कौन सी आ जाएगी, फाइव वन टू थ्री फोर। तो फाइव वन टू थ्री फोर जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, तो चेक करते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या कैसा आ रहा है, देखते हैं, लेट्स चेक इट, यस बिल्कुल सही है। इसको अगर आप सबमिट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सबमिट करते हैं, बिल्कुल सही चल गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने ट्रेवर्स करा और टैम की वैल्यू, टैंप में वैल्यू इंसर्ट करी, ये फॉर्मूला लगा के आई प्लस वन परसेंटाइल एन, आई होप आपको समझ में आया होगा ये हमने क्यों लगाया, ठीक है। तो हमने टैम में इंसर्ट कर दी, फिर जो टैम की वैल्यू थी जस्ट उसको जस्ट सिंपली कॉपी कर दिया, तो इसमें कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत बारी पूछा जाता है यार ये इंटरव्यू में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने कहा है यार, यू हैव गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, योर टास्क इज टू फाइंड द लीडर्स इन द एरे, आपको एक एरे दिया है तो जिसमें आपको लीडर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लीडर्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। सो एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर, एरे का वो एलिमेंट लीडर होगा जो कि इफ इट इज ग्रेटर देन, ये क्या कह रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा हो या बराबर, किससे, टू ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट साइड, द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर। मतलब एक एरे है हमारे पास, जिसमें सपोज ये एग्जांपल लेते हैं जिसका साइज सिक्स है, तो एरे में हमारे सिक्स एलिमेंट हैं, तो इसमें से लीडर कौन सा एलिमेंट होगा, लीडर वो एलिमेंट होगा जो बड़ा होगा या इक्वल होगा सभी एलिमेंट से जो उसके राइट साइड में, सभी एलिमेंट्स में जो उसके राइट साइड में है, जैसे टू है जो उसके राइट साइड में है। तो यार अगर आप देखो 16 से स्टार्ट करते हैं, 16 के राइट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, 16 के राइट साइड में है 17, 4, अगर मैं देखूं 16, तो 16 के राइट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, 17 है कोमा 4 है कोमा 3 है कोमा 5 है कोमा 2 है, अरे 16 के राइट में कौन कौन से है, 16 के राइट में 17, 4, 3, 5, 2, तो 16 के राइट में
हमारा लीटर कौन सा होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स टू इट राइट साइड, ठीक है। तो 16 17 से बड़ा है, नहीं भाई, तो 16 तो लीटर होगा नहीं, क्योंकि यार 17 से 16 के राइट साइड में कितने एलिमेंट है, 17 4 3 5 2, ठीक है। फिर हमने देखा 16 के 17 से बड़ा है, नहीं, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 16 17 से नहीं बड़ा, तो आगे चाहे बड़ा हो छोटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 16 तो लीडर है नहीं। अब आप आए 17 पे, 17 पे तो 17 के राइट में कौन है, 17 के राइट में 4 3 5 2, तो अब आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे, 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यस, 17 जो है 4 से बड़ा है। फिर आपने देखा 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यस, 17 3 से बड़ा है। फिर आपने देखा 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यस, 17 5 से बड़ा है। 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 17 जो है 2 से बड़ा है, विच मीन 17 जो है जितने भी उसके राइट साइड में एलिमेंट है, जैसे 4 3 5 2, वो सभी से बड़ा है, बड़ा भी हो सकता है या ग्रेटर इक्वल टू, उन्होंने कहा ना ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो बड़ा है, तो वो क्या है, एक लीडर है। आपने देखा कि 17 जो है एक लीडर है। उसके बाद आप आए 4 पे, तो 4 के राइट साइड में कितने एलिमेंट है, 3 5 2 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, तो 4 जो है 5 से बड़ा नहीं है, विच मीन्स 4 जो है लीडर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप आए 3 पे, 3 पे तो 3 के राइट साइड में कौन कौन से, 5 एंड 2, तो 3 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, तो 3 5 से बड़ा नहीं है, विच मीन्स 3 लीडर नहीं है। उसके बाद आप आए 5 पे, तो 5 के राइट साइड में कौन है यार, 5 के राइट साइड में 2, एक ही एलिमेंट है 2, तो 5 जो है 2 से बड़ा है, यस, 5 2 से बड़ा है, क्योंकि 5 के राइट साइड में कितने एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है जो कि है 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो 5 एक लीडर है। उसके बाद आप आए 2 में, जो कि लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट के जो 2 जो एक लास्ट एलिमेंट है, तो उसके राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो 2 कंसिडर होगा, क्योंकि उन्होंने अपना बोला है कि द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, क्योंकि राइट साइड में जो लास्ट एलिमेंट है उसके राइट साइड में कुछ भी नहीं होगा, तो उसको हमें ऑलवेज कंसिडर करना है। तो इस आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे कि हमारे पास एक एरे है और हमें लीडर जो एलिमेंट है, एलिमेंट लीड लीडर एलिमेंट फाइंड आउट करना, और लीडर एलिमेंट कौन सा होगा, जिसके राइट साइड में, अगर वो राइट जितना भी उसके राइट साइड में एलिमेंट्स हैं वो उनसे बड़ा है या उसके बराबर है, सभी एलिमेंट्स है जितने भी उसके, जैसे 16 के सभी राइट साइड में जितने एलिमेंट है, यानी 17 4 3 5 2, अगर 16 सभी से बड़ा है या ग्रेटर देन है वो, या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, तो जब वो कंसिडर होगा, जैसे इसमें 17 क्यों कंसिडर हो रहा है, क्योंकि उसके राइट साइड में 4 3 5 2 था, तो वो 4 3 5 2 से सभी से बड़ा है, ये अगर 17 भी होता राइट साइड में जब भी चलता, क्योंकि उन्होंने बोला है इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम चलेंगे यार, हम जो ट्रेवर्स करेंगे हम करेंगे यहां से 2 से ट्रेवर्स करेंगे, हम समझ रहे हो कहां से ट्रेवर्स करेंगे, 2 से ट्रेवर्स करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं एंड, एक मैक्सी वेरिएबल लिया मैंने, जो कि मैंने माइनस 1 से इनिशियलाइज कराया। उसके बाद मैं ले रहा हूं फोर लूप, मैं स्टेप फर्स्ट, क्या है स्टेप फर्स्ट है, ट्रेवर्स ट्रेवर फ्रॉम बैक साइड, ये लिख लो बैक साइड, जिससे आपको पता चले आप कहां से ट्रेवर्स कर रहे हो, फ्रॉम बैक साइड, यानी कि 2 से यहां से ट्रेवर्स कर रहे हो आप, यहां से 2, सबसे पहले कहां से ट्रेवर्स कर रहे हो आप, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 17, फिर 16, यानी 2 सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, एक एरे है जिसका साइज हमारे पास n है, ठीक है, तो ट्रेवर्स फ्रॉम बैक साइड, विच मीन्स फोर एंड, फोर लूप कहां से लगेगा, i की वैल्यू इनिशियली कितने होगा, ये जो 2 है ये कौन से इंडेक्स पे, n माइनस 1, ठीक है, तो कहां से ट्रेवर्स करो, बैक साइड से, विच मीन्स i इज इक्वल टू n माइनस 1 इनिशियली, ठीक है। कब तक चलेगा ये, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 तक जाएगा वो, तो 0 तक, यानी कि ग्रेटर देन 0, विच मीन्स ये वाले एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट कब तक जाएगा, 0 तक, तो इसलिए i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक जाएगा वो, ठीक है। और i माइनस माइनस, क्योंकि बैक साइड से जा रहे हो, तो i की वैल्यू हमेशा डिक्रीमेंट हो रही है, कम 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 होती जा रही है, पहले 60, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ऐसे 0 तक जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद मैंने क्या करा, कंडीशन ये है यार, इफ अगर मेरा एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्सी, समझना, अगर मेरा एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्सी, तो मैक्सी की वैल्यू सबसे पहले तो मैं चेंज करूंगा, अपग्रेड करूंगा, देन अगर ऐसा है तो आंसर डॉट पुशबैक, एक आंसर नाम का मैंने वेक्टर लिया, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस एरे की वैल्यू को मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं, क्योंकि आपको जो रिटर्न करना है आपने देखा वो वेक्टर इंट में, मतलब आपको वेक्टर इंट इस फॉर्म में रिटर्न करना है, तो वेक्टर इंट, समझ रहे हो ना, वेक्टर इंट क्यों लिया, क्योंकि उसका डिमांड ये है कि वेक्टर इंट में मुझे रिटर्न चाहिए, तो वेक्टर इंट लिया, उसका नाम मैंने आंसर रख लिया। एक एरे है वेक्टर इंट टाइप का, एक एरे डायनेमिक एरे है जिसका नाम आंसर है। तो मैंने क्या करा, आपने ट्रेवर्स करा यहाँ से, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 का इंडेक्स क्या है, n माइनस 1, कब तक जाएगा, 0 से 0 तक, तो i इज इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, ठीक है।
मैंने क्या करा, इफ मैक्सी मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने -1 से इनिशियलाइज करा, मैंने क्या करा इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एरे ऑफ आई, आई कितना है आपका एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू क्या है 6 है, 6 माइनस वन यानी कि 6 माइनस वन डेट इज 5, तो एरे 5 यानी एरे 5 क्या है यानी कि 0 1 2 3 4 5 यानी 2 की बात हो रही है, एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 अगर मैक्सी, मैक्सी कितना है आपका, मैक्सी की आपने वैल्यू इनिशियलाइज किससे कराई -1 से, ठीक है, तो अगर आपका एरे 5 -1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है एरे 5 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन -1, यस या 2 तो -1 से बड़ा होता है, तो मैक्सी की वैल्यू अगर इफ अगर है अगर चल रहा है इफ अगर ट्रू है इफ, तो इफ में क्या है एरे 5 इज ग्रेटर देन मैक्सी, आई कितना है n-1 डेट इज 6 -1 डेट इज 5 यानी कि एरे ऑफ 5 यानी कि 2 इज ग्रेटर देन मैक्सी, 2 इज ग्रेटर देन -1, यस, तो क्या होगा मैक्सी की वैल्यू चेंज होगी, अब ग्रेट हो जाएगी, तो मैक्सी अब कितना हो जाएगा, मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी अब कितनी एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 क्या है 2, एरे ऑफ 5 क्या है 2, मतलब मैक्सी की जो वैल्यू है अब कितनी है, मैक्सी की जो वैल्यू है अब 2 है, पहले -1 थी अब चेंज होगी कितनी होगी 2, और आंसर डॉट पुशबैक में आप क्या आपने क्या रख दिया, आंसर डॉट पुशबैक, आंसर एक डायनेमिक एरे जिसमें आपने क्या पुश कर दिया एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 मतलब कि 2 आपने क्या डाल दिया उसमें डाल दिया 2 डाल दिया, तो आंसर में अभी कितना पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप गए i प्लस, ये क्या हुआ i माइनस माइनस हो गया, i माइनस माइनस हो गया विच मीन्स अभी आप आ गए 5 पे, ठीक है, फिर आपने फिर से चेक करा इफ एरे ऑफ i ग्रेटर देन मैक्सी, तो अभी आपका क्या है एरे ऑफ i, एरे ऑफ i, एरे ऑफ i अभी आप कहां हो 5 पे यानी कि एरे ऑफ i डेट इज 4, तो 5 एरे ऑफ i क्या है डेट इज 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन व्हाट मैक्सी, मैक्सी अब कितना है 2 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, यस यार 5 तो 2 से बड़ा है, तो मैक्सी की वैल्यू सबसे पहले अपग्रेड होगी, मैक्सी की वैल्यू अपग्रेड होकर क्या हो जाएगी मैक्सी इज इक्वल टू एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 कितना था 5 यानी कि एरे ऑफ 0 1 2 3 4 5, तो एरे 4 यानी कि एरे ऑफ एरे एट इंडेक्स 4 पे कितना था 5, ठीक है, तो मैक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो मैक्सी की वैल्यू अपग्रेड कितनी हो जाएगी एरे ऑफ 5 उसी एरे ऑफ i की वैल्यू हो जाएगी स्टोर उसमें मैक्सी में, तो एरे ऑफ i कितना है 5, तो मैक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी 5, तो आंसर डॉट पुशबैक में डाल दोगे एरे, तो 2 था पहले पड़ा हुआ अब क्या पुश हो जाएगा 5 एरे ऑफ i, ठीक है, बहुत सही, फिर उसने क्या करा इस इफ चल गया उसके बाद i माइनस माइनस, अभी आप किस पे आ गए, अभी आप आ गए 3 पे, 3 पे हो आप, तो एरे ऑफ i क्या है 3 है, तो 3 पे, बहुत सही, 3 इज ग्रेटर देन मैक्सी, मैक्सी की वैल्यू कितनी है अभी आपने देखा था 5 आ गई थी, ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं भाई, 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इफ तो चले गई नहीं, इफ चले गई नहीं क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 5 है नहीं है, फॉल्स आ गया, तो आपने क्या करा इफ चलेगा नहीं, फिर आपने क्या माइनस माइनस, तो 3 पे थे आप, अब आप आ गए 4 पे, ठीक है, एरे ऑफ i कितना है 4 है, मैक्सी की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो 4 इज ग्रेटर देन 5 नो, तो इफ चलेगा ही नहीं, ठीक है, अब आप कहां पर आ जाओगे माइनस माइनस, तो 4 पे थे अब आप आ गए 17 पे, बहुत बढ़िया, तो एरे ऑफ i कितना है अभी, एरे ऑफ i आपका 17 ग्रेटर देन 5 क्योंकि मैक्सी की वैल्यू पहले 5 थी, बिल्कुल, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो मैक्सी की वैल्यू अब ग्रेट होकर कितनी हो जाएगी एरे 5 कितना है 17, तो मैक्सी की वैल्यू हो गई 17, आंसर डॉट पुशबैक में आपने क्या कर दिया, पहले 25 हुआ था, अब एरे 5 कितना है 17 है, तो 2517, ठीक है, उसके बाद i माइनस माइनस, आप इससे निकलोगे i माइनस माइनस, अब आप आ गए 16 में, ठीक है जी, तो अब आपने क्या करा एरे 5 कितना है 16 है ग्रेटर देन मैक्सी, मैक्सी की वैल्यू अब कितनी है, मैक्सी की वैल्यू 17 है, आपने देखा क्योंकि आपने प्रीवियस आइटरेशन में 17 उसमें स्टोर करा दिया, तो 16 एरे ऑफ आई क्या है 16 है, 16 इज ग्रेटर देन मैक्सी यानी 16 इज ग्रेटर देन 17 नो, 16 तो 17 से बड़ा ही नहीं होता, तो इफ जो है चलेगा ही नहीं, आई माइनस माइनस मतलब आपने पूरा फॉर लूप ट्रेवर्स कर लिया है, अब आप लूप से बाहर आ जाएंगे, तो जब आप अपना रिटर्न मारोगे आंसर, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2517, बट आपको जो आंसर रिटर्न करना है वो इस फॉर्मेट में करना है, सबसे पहले 17 देन 5 देन 2, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, आपको रिवर्स फंक्शन बनाना है, रिवर्स डायरेक्टली आपको है बिल्ट इन फंक्शन होता है रिवर्स आंसर डॉट बिगन यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक कोमा आंसर डॉट एंड, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आपका आंसर है अब क्या हो जाएगा 17 पहले आएगा उसके बाद 5 आएगा फिर 2, मतलब रिवर्स कर दिया 2517 को 17 5 2, अब आप इसको जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एरे ऑफ आई, अच्छा इसको नाम मैं ARR ले लेता हूं यहां पर, उसके बाद मैं कंपाइल करता हूं फिर से, नाउ लेट्स चेक इट, यस योर आउटपुट, अगर एक चीज हो रहा है अगर मैं इसको चलाता ही नहीं और मैं फिर कंपाइल एंड रन करता
तो वही आएगा जो मैंने आपको बताया था, पहले 2 पुश हुआ, फिर 5, फिर 17, तो क्या आएगा देखिए, योर आउटपुट इज 2517 एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 1752, आपका कितना आ रहा है 2517, जैसे मैंने पुश करा था, पहले 2 फिर 5 फिर 17, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसलिए करना ही पड़ेगा। तो जब हम कंपाइल एंड रन करेंगे, क्योंकि रिवर्स, क्योंकि जो ये है तो रिवर्स करके ही लेगा, तो रिवर्स करके हमारा बिल्कुल सही आ रहा है 1752। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल ही सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, 410 टेस्ट केसेस हैं इसमें। तो ये क्या बता रहा है यार, देखते हैं क्या गलती आ रही है, गलती क्या आ रही है, 327, लेट मी चेक, वेक्टर इंट लीडर्स, वेक्टर इंट आंसर, आई इज इक्वल टू एन माइनस वन से लेकर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, आई माइनस माइनस है, ठीक है। इफ अच्छा 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 एक चीज हो रहा है यार, अगर आपने देखी ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हमने ग्रेटर देन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया, इसलिए गलती आ रही है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, पूरा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केसेस आप पास कर देगा, ये समझ रहे हो ना, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए हमने ग्रेटर देन का लगाया था, इक्वल टू का हम भूल गए थे, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का लगाना जरूरी है, इसलिए वो सारे टेस्ट केसेस देख सकते हैं आप, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने बैक साइड से ट्रेवर्स कराया रे को, पीछे की तरफ से, और हमने देखा मैक्सी हमने इनिशियलाइज करा था माइनस वन से, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा अगर वो बड़ा है तो मैक्सी से रिप्लेस हो जाएगा, मैक्सी में वो एलिमेंट डल जाएगा और आंसर डॉट पुशबैक में वो एरे का एलिमेंट आ जाएगा। जब आप फोर लूप से निकलोगे तो आपको रिवर्स इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप रिवर्स नहीं करोगे तो 2517 आ रहा है, रिवर्स करके 1752 आ रहा है एज पर क्वेश्चन डिमांड, ठीक है। फिर आप अपना क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे आंसर, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। वेक्टर इसलिए लिया क्योंकि वेक्टर में ही आपको रिटर्न करना था, तो वेक्टर इंट आंसर लिया और आपने रिटर्न आंसर कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, ये इन्होंने बेसिक टेक दे रखा है, बट ये मैं आपको बताऊं बेसिक बिल्कुल भी नहीं है ना, ये इजी है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है यार, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको मीडियम में रखना चाहिए इन्हें, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, यू हैव गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ साइज एन, मतलब कि आपके पास जितना जो भी एरे है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर है जिसका साइज एन है, सो यू हैव टू रिवर्स, आपको क्या करना है, रिवर्स एवरी सब एरे, सब एरे वो होते हैं जो कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एक सब एरे है, बट अगर मैं कहूँ 1 2 3 5 एक सब एरे है, नहीं, क्योंकि 4 हमने कंसिडर नहीं करा, क्योंकि 4 जो है कॉन्टिग्यूस लोकेशन पे है बट वो हमने कंसिडर नहीं करा, तो 1 2 3 5 सब एरे नहीं है, बट 1 2 3 4 5 सब एरे है, 1 2 3 सब एरे है, यस, बट 1 2 3 4 5 सब एरे है, यस, 1 2 3 4 सब एरे है, यस, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 सब एरे है, यस, 1 2 4 सब एरे है, नहीं, क्योंकि मैंने 3 कंसिडर नहीं किया, ठीक है, तो सब एरे तो ये होता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिवर्स एवरी सब एरे ग्रुप ऑफ साइज के, ठीक है। उन्होंने एक चीज और बोली है, इफ एट एनी इंस्टेंस, यानी किसी पॉइंट पे, इफ देर आर नो मोर सब एरे ऑफ साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, देन यू हैव टू रिवर्स द लास्ट सब एरे, मतलब अभी समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है, सपोज यार आपके पास एक एरे जिसका साइज 5 है, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो जिसका साइज 5 है, ठीक है, तो आपके पास एक एरे जिसका साइज 5 है, तो उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 4 5, के की वैल्यू कितनी है 3, मतलब आपको एक के साइज का सब एरे लेना है जिसको आपको रिवर्स करना है, समझ रहे हो ना, रिवर्स पॉट, रिवर्स एवरी सब एरे ग्रुप, रिवर्स एवरी सब एरे ग्रुप ऑफ साइज के, यानी कि सब एरे आपको रिवर्स करना है जिसका साइज कितना होना चाहिए, इट शुड बी के होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर देखा 1 2 3 4 5, तो के कितना है 3, तो सबसे पहले यहां से लेकर 1 2 3 तीन साइज है, 3 हो गया, तो 1 2 3 को जब आप रिवर्स करोगे क्या आएगा, इट विल बी 3 2 1, 3 2 1 हो जाएगा। उसके बाद एक हमने 1 2 3 तक, 3 तक ही क्यों लिया, क्योंकि वो k तक लेना है, आपको क्या करना है, रिवर्स एवरी सब एरे ऑफ साइज k, तो हमने 3 एलिमेंट लिए स्टार्टिंग के 1 2 3, जिनको आप रिवर्स करोगे तो 3 2 1 आएगा। उसके बाद आपने देखा जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो हमारे 2 एलिमेंट हैं, तो उन्होंने इसलिए ये बोला है कि इफ एट एनी इंस्टेंस, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई सब एरे उसका साइज बड़ा आ रहा है या इक्वल आ रहा है, छोटा आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपको जितने भी एलिमेंट है उसको रिवर्स करना है, यानी 4 5 है बट के की वैल्यू 3 थी, लेकिन जब भी हमको रिवर्स करना है तो 4 और 5 को, जब 4 5 एक सब एरे, जब इसको रिवर्स करोगे कितना आएगा, 5 4 आ जाएगा। तो इसका क्या अप्रोच होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो यार सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, क्या कि अगर हमें किसी भी एरे को रिवर्स करना है तो उसका क्या अप्रोच हो सकता है,
कोई भी एरे को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या अप्रोच हो सकता है? सपोज मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सपोज मेरे पास यार एक एरे है, ठीक है, आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बन रहा है अभी वन, ये इसमें टू पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें थ्री पड़ा हुआ है, इसको आप फास्ट कर लिया करें क्योंकि यार इसमें टाइम वेस्ट होता है, और मेरे पास अभी ये लिखने के लिए कुछ अलग से नहीं है जिससे मैं फास्ट कर पाऊँ, इसलिए आप इसको थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं, इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी यार जीरो से, ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा फास्ट कर लो इसको जिससे आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा यार, 0 1 2 3 4 है, ठीक है, तो यार एक लॉजिक होता है, सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन कंपाइलर खोलता हूँ जिससे आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो यार ऑनलाइन कंपाइलर में खोलता हूँ, एक मैंने लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी एरे रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता होगा, पता चलेंगी चीजें कि ठीक है इसमें क्या चीज हमने लगाई, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन लिया यार, ठीक है, बहुत सही, आपने एक एरे लिया जिसका साइज है एन, ठीक है, जिसमें आपके पड़े हुए हैं कुछ एलिमेंट जैसे लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, आप और एन क्या है, यहाँ पर मैं एन डिक्लेयर कर लेता हूँ, एन को इनिशियलाइज करा दिया मैंने 5 से, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो यार मैं रिवर्स आप बहुत तरीके से कर सकते हो, जैसे आपने क्या करा, मेरे पास एक एरे जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे यार इसको रिवर्स करके दिखाओ, तो इसका सिंपल तरीका ये है 1 2 3 4 5 है, बट अगर आप इसको पीछे से ट्रेवर्स करोगे यानी 5 4 3 2 1 तो रिवर्स हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको 4 एंड बैक साइड से ट्रेवर्स करूँ यानी 4 एंड आई इज इक्वल टू एन माइनस 1 है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस 1 माइनस है, और सी आउट करवा दूं एरे ऑफ आई, जो भी एरे ऑफ आई है वो, ठीक है, तो ये प्रिंट होके मुझे दे देगा, देख सकते हो आप, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1, समझ में आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना, आपने आपके पास एक एरे जिसका साइज 5 है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, अभी आपको बता, अभी आपसे कहा गया यार इसको रिवर्स करो, तो रिवर्स का कुछ नहीं यार, पीछे से ट्रेवर्स कर लो, अरे पीछे से ट्रेवर्स करोगे तो रिजल्ट तो वही आ जाएगा 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 है, अगर मैं इसको पीछे से ट्रेवर्स करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मेरा 5 देन 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो मैंने क्या करा, आई मैंने किससे इनिशियलाइज कराया, एन माइनस 1 से, कब तक जाएगा, आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, फिर एरे के एलिमेंट प्रिंट कर दो, तो 5 4 3 2 1, तो सिंपल अप्रोच तो ये है, लेकिन ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ये पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा है फिर आपको दे रहा है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूं, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना है, ये पूरा ऑर्डर ऑफ एन, ये पूरा ट्रेवल एन क्यों है, क्योंकि ये इसका साइज एन है, तो पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा है देन आपको रिजल्ट दे रहा है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है। बट अगर मैं टू पॉइंटर अप्रोच की बात करूं, टू पॉइंटर अप्रोच, तो टू पॉइंटर अप्रोच जो है यार वो बहुत सिंपल है, टू पॉइंटर अप्रोच है एक मेरे पास एक एरे है, ठीक है, तो मैंने इसमें टू पॉइंटर अप्रोच ये कहता है कि यार आपके पास एक एरे है जिसको आपने यहाँ रखा, आपने लिया एक लो, ये है मेरा क्या यार, ये लो है, जैसे आपने बाइनरी सर्च में देखा था, मैंने बताया था आपको एक लो ये है, लो किस पे रखते हैं, हमेशा जीरो इंडेक्स पे रखते हैं, और हाई किस पे रखते हैं, हमेशा लास्ट इंडेक्स पे रखते हैं, लास्ट इंडेक्स क्या होता है एरे में, एन माइनस वन, तो हाई यहाँ पर है, ठीक है, तो मैंने एक ये लिया यार, सॉरी, तो मैंने एक फंक्शन लिया, मैं क्या कह रहा हूँ, या मैंने क्या करा, मैंने एक इंट लो लिया, ठीक है, जो क्या है जीरो पे है, ठीक है, एक मैंने लिया हाई जो मेरा क्या है यार वो एन माइनस वन पे, एन माइनस वन का मतलब है 5 माइनस 1 डेट इज 4 लास्ट इंडेक्स पे, मैंने क्या करा, वाइल जब तक आपका लो बड़ा है या बराबर है किसके हाई के, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने क्या करा, लो आपने जीरो पे लिया, लो किस पे है यार आपका जीरो पे है, इंडेक्स पे है, और हाई कितना है आपका, आपका 4 इंडेक्स पे, मैंने क्या करा, जब तक ये लो पॉइंटर जो है हाई से बड़ा है या बराबर है जब तक चलेगा, वरना वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, आपने क्या करा, स्वैपिंग करवानी है, जस्ट स्वैपिंग करवानी है किसमें, एरे ऑफ लो की कोमा एरे ऑफ हाई, एरे ऑफ हाई, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लो को तो इंक्रीमेंट करना है, नहीं आगे बढ़ाना है, और हाई को आपको माइनस माइनस करना है, देखना क्या कह रहा हूं मैं, आपके पास एक एरे था जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद आपने लो रखा 0 इंडेक्स पे और हाई रखा आपने एन माइनस वन, डेट इज हाई किस पे, अभी हाई आपका 4 पे, अरे लो जो है आपका किस पे, लो तो अभी 0 पे है, ठीक है, और हाई किस पे, अभी
हाई किस पे है, n माइनस वन डेट इज 5 माइनस वन डेट इज 4 इंडेक्स पे, ठीक है। आपने करा लो इज ग्रेटर, अभी आपका क्या है वाइल लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, लो कितना है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, सॉरी यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, 0 इज लेस देन, सॉरी माई मिस्टेक, 0 जब तक चलेगा जब तक लो जो है छोटा रहेगा किससे, लो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा हाई के, यानी कि अब आपने देखा लो 0 पे रखा हाई 4 पे रखा है, ठीक है। तो 0 लो कितना है 0, हाई कितना है 4, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो एन क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी, किसकी स्वैप, किसको कर रहे हो स्वैप कर रहे हो, एरे एट इंडेक्स लो कोमा एरे एट इंडेक्स हाई, विच मीन स्वैप किसको कर रहे हो, एरे लो पे कौन सा एलिमेंट है, स्वैप किसको कर रहे हो, एरे लो क्या है, एरे लो पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, यानी कि 1 कोमा एरे हाई पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 5 पड़ा हुआ है, 5। तो स्वैप करके जब आपने करा 1 कोमा 5 को स्वैप करोगे तो क्या आएगा, मैं एक यहां एक बनाता हूं, एक ये बना लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, इसका मतलब ये है, ये जो है 1 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझना। इसका मतलब ये है अभी स्वैप, एरे लो पे क्या था 1 था, एरे हाई पे क्या था 5 था, फिर आपने क्या करा स्वैप 1,5, इसका मतलब ये है आपका जो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ था अब वहां क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और जो आपका लास्ट इंडेक्स था यानी कि 4 इंडेक्स था उस पे आपका 5 पड़ा हुआ था, अब क्या आ जाएगा स्वैपिंग के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका लो था 0 पे, लो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लो आ जाएगा, एक सेकेंड, लो अभी आपका आ जाएगा यहाँ पर, लो आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। और आपका जो हाई था वो डिक्रीमेंट होके पहले इस पे था, अब लो हाई आ जाएगा इस पे, समझ रहे हो ना, हाई जो आ जाएगा वो किस पे आ जाएगा यार, इस पे आ जाएगा, और लो जो है आपका, लो जो है इस पे, ठीक है। तो बिल्कुल सही, लो प्लस प्लस एंड हाई माइनस माइनस। फिर से आपने देखा लो की वैल्यू कितनी हो गई, अब लो तो आ गया 1 पे, हाई कितना आ गया, हाई क्योंकि लो प्लस हो रहा है, हाई माइनस हो रहा है, तो 3। अब आपने फिर से वाइल लूप में चेक करा कि लो इज लेस देन, लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो क्या है 1 है, ठीक है, और हाई क्या है यार, हाई जो है आपका 3 है, तो 1 इज लेस देन, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस यार 1 तो छोटा है 3 से, उसके बाद ठीक है 1 3 से छोटा है, तो वाइल लूप के अंदर ही है वो अभी। आप अब आपने क्या करा, स्वैप एरे एट लो कोमा स्वैप एरे एट हाई, एरे लो क्या है, लो डेट इज 1, एरे एट 1 यानी कि एरे इंडेक्स एट 1, एरे एट इंडेक्स 1 क्या है, ये 2 की बात चल रही है, कोमा एरे एट हाई, हाई कितना है 3, तो एरे एट इंडेक्स 3, एरे एट इंडेक्स 3 यानी कि इसकी बात चल रही है। तो क्या कह रहे हो आप, स्वैप व्हाट, दैट इज 2, एरे एट लो पे कितना है 2 है, एरे एट हाई पे कितना है 4 है, तो 2 कोमा 4 का मतलब ये, जब आप 2 और 4 की पोजीशन को स्वैप कर रहे हो, व्हिच मींस जो 2 की पोजीशन पे था 4 आ जाएगा, 2 की पोजीशन पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा जो कि इंडेक्स 1 पे, और 4 की पोजीशन पे 2 आ जाएगा जो कि इंडेक्स 3 पे, जो कि इंडेक्स 3 पे, ठीक है, जो कि इंडेक्स 3 पे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद आपने क्या करा, लो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीमेंट होके, और हाई जो है इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा 2 पे, दोनों सेम पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो लो कितना हो गया अभी आपका प्लस प्लस करके 2, हाई कितना हो गया प्लस प्लस करके 2 हो गया, ठीक है। तो लो कितना है अभी 2 है, हाई कितना है 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू भी आ रहा है तो 2 तो 2 के बराबर है, यस फिर से चलेगा। तो स्वैप कराओ एरे एट लो एरे एट हाई, तो एरे एट लो कितना है 2 पे, एरे एट हाई कितना है 2 पे, यार एरे एट लो और एरे एट हाई, एरे एट लो भी 3 पे, एरे और एरे एट हाई भी 3 पे है, यानी कि इंडेक्स 2 पे है, इंडेक्स 2 पे ही लो है और इंडेक्स हाई पे ही 2 है, जिसमें 3 एलिमेंट यानी कि 3 नंबर का एक एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, स्वैप एरे एट लो, एरे एट लो पे क्या पड़ा है 3, एरे एट हाई पे कितना पड़ा है 3, तो 3 स्वैप 3 पे 3 आ जाएगा, विच मीन्स 3 को 3 से स्वैप करोगे तो 3 का 3 आ जाएगा, वो किस इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 5 4 3 2 1, यानी कि इसका जब रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 5 4 3 2 1, आप देख सकते हो आपको मिल गया आपका आंसर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपने 3 कर दिया तो लो तो इधर आ जाएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने ये कर दिया तो लो की वैल्यू हो गई इंडेक्स 3 पे, लो की वैल्यू कितनी होगी इंडेक्स 3 पे, क्योंकि लो प्लस प्लस हो रहा है, और हाई क्या हो जाएगा, हाई माइनस होके यहां पर आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। तो लो की वैल्यू कितनी हो गई इंडेक्स 3 पे, और हाई की वैल्यू माइनस माइनस होके आ गई 1 पे। अब आपने देखा लो, लो कितना है 3 है, 3 और हाई कितना है 1 है, तो 3 जो है छोटा या बराबर है 1 के, नहीं तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। जब आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे तो आपने करना है प्रिंट एरे को, तो फोर इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी आउट array of i,
जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा फाइव, एक सेकेंड मैं ये लगा देता हूँ स्पेस जिससे आपको क्लैरिटी मिले थोड़ी, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास ये कह रहा था जिसमें 1 2 3 4 5 थे, जब आपने इसको रिवर्स को पूरा चलाया तो 5 4 3 2 1 आ गया। ठीक है, इसको आप फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने एक लिया void रिवर्स फंक्शन, ले लो एक रिवर्स जिसमें मैंने एक इंट एरे पास करा, ठीक है, एक मैंने पास कर दिया यार यहाँ पर इंट लो पास कर दिया मैंने, कोमा इंट हाई पास कर दिया मैंने, ठीक है, तो मैंने एक सिंपली ये चलाया कंट्रोल एक्स यहाँ रखता हूँ मैं कंट्रोल y, तो एक कब तक चलेगा while लो इज लेस देन हाई स्वैप एरे, ठीक है ये हो जाएगा, उसके बाद क्या है तो ये तो कमेंट में, ठीक है, तो मैंने कॉल फंक्शन में फंक्शन कॉल रिवर्स फंक्शन, मैंने फंक्शन को कॉल लगा दिया पर एफ यू एन सी टी आई फंक्शन को, जब मैं कॉल लगाऊंगा तो फंक्शन का नाम क्या है, डेट इज रिवर्स, जिसमें मैंने क्या क्या डाला, क्या क्या पास करा, एक तो एरे पास करा, एक मैंने लो पास करा, लो को मैंने इनिशियलाइज करा दिया 0 से, ठीक है, फिर मैंने हाई पास कराया तो हाई को मैंने इनिशियलाइज करा दिया किससे, एन माइनस वन से, ठीक है, तो समझ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली फंक्शन की हेल्प से, तो आंसर आ जाएगा आपका, आना चाहिए बिल्कुल, तो यस 5 4 3 2 1 समझ रहे हो ना, मैंने क्या करा, इंट मेन पे आओ, एक मैंने एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो मैंने लो तो इंडेक्स 0 पर रखा, हाई इंडेक्स लास्ट पर रखा यानी एन माइनस वन, मैंने एक फंक्शन बनाया रिवर्स जिसमें मैंने एक अपना एरे पास करा, सबसे पहले क्या पास करा, एक एरे पास करा, फिर मैंने लो पास करा यानी जो कि इंडेक्स 0 पे था, और मैंने हाई पास करा जो कि इंडेक्स लास्ट पे था, उसके बाद जब रिवर्स अपने आप को कॉल लगाएगा तो आप यहाँ पर जाओगे वॉइड रिवर्स में, जिसमें मैंने एक एरे पास कर रखा, एक लो जो कि 0 पे, एक इंट हाई है जो कि एन माइनस वन पे, तो क्या कह रहा है, जब तक भाई लो जो है छोटा है हाई से जब तक चलेगा, तो स्वैपिंग होगी लो प्लस प्लस हाई माइनस माइनस, बट अगर जब लो हाई से बढ़ा जाएगा तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, फंक्शन पूरा हो जाएगा, और जब फंक्शन पूरा हो जाएगा तो ये प्रिंट करवा देगा एरे हाई को, तो इसलिए आपका जब आप इसको रन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इट विल बी 5 4 3 2 1, तो सेम लॉजिक इसमें है, तो आपको आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एक एरे को रिवर्स करा सकते हैं, तो सिंपल एक अप्रोच तो वो है कि आप पीछे से ट्रेवर्स करें तो आपका एरे आ जाएगा रिवर्स हो जाएगा, बट अगर आप टू पॉइंट अप्रोच का यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन बाय टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, इट विल बी एन ऑफकोर्स, बट ये काफी एफिशियंट है टू पॉइंट अप्रोच, ठीक है ना, तो ये किससे हो रहा है, ये टू पॉइंटर अप्रोच से हो रहा है, क्योंकि लो हाई लिए तो ये क्या है, ये टू पॉइंटर अप्रोच है, टू पॉइंटर अप्रोच से ये आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूं अभी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक एरे है जो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले k का साइज क्या है, 3, तो 1 2 3 है, बिल्कुल 1 2 3 है, तो 1 2 3 का क्या आना चाहिए, एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स पड़े, के तक जाओगे 1 2 3, यानी कि 3 साइज है तो 3 तक जाओगे 1 2 3, तो सबसे पहले 3 2 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद 4 5 है, 2 एलिमेंट है, के से छोटे हैं, कोई नहीं चलेगा, तो 4 5 को आपने क्या करवा दिया 5 4 पे, तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, आपको करना क्या, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इंट आई 0 है मेरा, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इंट आई 0 है, इंट आई इज इक्वल्स टू क्या है यार, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 है मेरा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 है, मैंने क्या करा, वाइल जब तक मेरा जो आई जो है एन से छोटा है, क्योंकि एन क्या है, इसका एरे का साइज, आई इज लेस देन एन जब तक ही चलेगा, मैंने क्या करा, मैं एक रिवर्स फंक्शन बनाऊंगा, आर ई वी आर एस रिवर्स, तो मैं इसको यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, void रिवर्स, आर मैं ये जो फंक्शन बनाया है इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, क्यों मेहनत करूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, तो मैंने जो फंक्शन ये बनाया था आपका, यही मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया कि void रिवर्स है, जिसमें मैंने एक एरे पास करा, एक लो पास करा, एक हाई पास करा, while low is less than equals to high, swap array low array high, ये तो पूरा आपको पता ही चल गया कि क्या बनाया था क्या नहीं, फंक्शन लिया है मैंने, तो मैंने एक रिवर्स कॉल करा यहाँ से, रिवर्स क्या कह रहा है, रिवर्स में मैंने क्या पास करा, एक तो एरे पास करोगे, ठीक है, उसके बाद लो क्या है, लो सबसे पहले 0, यानी कि लो पास करोगे, तो आई सबसे पहले आप लो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से इंडेक्स 0 से, तो इंडेक्स 0 क्या है, आई से इनिशियलाइज करा दिया मैंने इंडेक्स 0 को, मतलब आई क्या है स्टार्टिंग में मेरा 0 है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, हाई तो हाई कब तक जाएगा, क्योंकि आपको क्या लेना है, रिवर्स एवरी सब एरे ग्रुप ऑफ साइज के, यानी कि के तक जाएगा, तो के कितना, 3 तक, यानी कि 3 ही एलिमेंट आ सकते हैं, 3 ही एलिमेंट आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 3 ही एलिमेंट आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है,
तो आप अगर देखो k की वैल्यू 3 है तो 3 एलिमेंट्स हैं, बट अगर आप 0 इंडेक्स से चलोगे तो ये क्या जाएगा 0 फिर 1 फिर 2, विच मीन्स क्या कराना पड़ेगा k माइनस 1 कराना पड़ेगा हमें, क्या कराना पड़ेगा k माइनस 1 एंड इट विल बी i प्लस k, i प्लस k, अभी समझाऊंगा कैसे। तो मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पर, मिनिमम ऑफ i माइनस k प्लस 1 कोमा n माइनस 1, अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा मैंने ऐसे क्यों किया, ठीक है। तो समझना, सबसे पहले मैंने क्या करा, i की वैल्यू रखी 0 पे, अभी i 0 है, फिर मैंने क्या करा इसको चेक करो, i क्या है 0 पे है एंड n क्या है मेरा, n क्या है, n क्या है 5, तो i इज लेस देन 5, यस, तो व्हाइल लूप में आप चलोगे। उसके बाद आपने रिवर्स फंक्शन को कॉल लगाई जो कि यहां पर आ जाएगा, तो वो लेगा एरे आपका, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक i की वैल्यू, वो क्या लेगा एक एरे लेगा, एक फंक्शन है r जिसमें आपने लगाया एरे, तो एरे है i क्या है कितना है 0 है कोमा मिनिमम ऑफ व्हाट, यानी मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ क्या, आई कितना है अभी 0 है, तो 0 प्लस के, k की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 प्लस 3 माइनस 1, यार k की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3 माइनस 1 इज व्हाट 2, कोमा n की वैल्यू कितनी है, n है आपका 5, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 2 और 4 में से कौन मिनिमम है, यार 2 है, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 है और मिनिमम 2 कोमा 4 में से 2 है, तो विच मीन्स क्या चलेगा, विच मीन्स चलेगा मेरे पास एरे आई की, यानी कि लो की वैल्यू 0 और हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, मतलब है यार एक मैंने रिवर्स लगाया उसमें मैंने एक एरे लिया, वो कहां से लेकर कहां तक जाएगा, लो 0 पे और हाई 2 पे, विच मीन्स लो तो मेरा 0 पे है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, लो किस पे है, लो तो मेरा 0 पे है, ठीक है, और हाई किस पे है, हाई किस पे, हाई आपका है 3 पे, हाई किस पे 3, क्यों, एट इंडेक्स 2, अगर मैं यहां पर बनाऊं, यहां पर मैं बनाऊं, मैं एक सेकंड बनाता हूं आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा यार ये, कि मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे है यार, मैं आप थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा लेना इसकी, क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, यहां पर 1 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ठीक है, ये मेरे पास 3 है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 4 है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है 5 है, तो मेरे पास जो इंडेक्सिंग होगी यार यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0 से लेकर 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4, तो मैंने क्या करा यार, आई मेरा यहाँ पर था, मेरा आई जो था मेरा कहाँ, आई इज इक्वल टू 0 था मेरा, आई की वैल्यू कितनी थी यार, मेरी जो आई की वैल्यू थी वो कितनी थी यार 0, आई की वैल्यू कितनी थी मेरी 0 थी, तो आई जो है मेरा भी यहाँ पर है, समझना आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो मैंने क्या करा यार, मैंने क्या करा, मेरा आई जो है वो 0 पे, मिनिमम ऑफ आई प्लस के माइनस 1, यानी आई 0 प्लस 3, के की वैल्यू 3 थी, 0 प्लस 3 माइनस 1 विच मीन्स 2 कोमा एन माइनस 1 डेट इज 5 माइनस 1 डेट इज 4, तो 0 यानी कि मिनिमम 2 और में 2 और 4 में से कितना आएगा 2, तो एरे यानी रिवर्स में क्या पास होगा, एक एरे कहां से लेकर कहां तक, लो कितना है 0 और हाई कितना है 2, विच मीन्स आपने क्या पास करा, आपने क्या पास करा, जो आपका एरे था ये जो आपका आया, तो आपने जो एरे पास करा वो लो, लो कितना है 0 पर रखा हुआ है उसका, अरे लो किस पे रखा हुआ है, लो तो आपका 0 पे रखा हुआ है, ठीक है, और हाई जो रखा हुआ है वो रखा है एट इंडेक्स 2, अरे लो तो 0 पे रखा हुआ है और हाई किस पे रखा हुआ है, इंडेक्स 2 पे, ये क्या है हाई है, ये कितना है, समझ रहे हो ना, हाई हाई समझ रहे हो ना, आई प्लस के आई प्लस के माइनस 1 एन माइनस 1, यानी कि 4 और 2 में से मिनिमम क्या आएगा 2, तो आई कितना है 0, तो मिनिमम यानी लो कितना हो गया 0, हाई कितना हो गया 2, तो इसमें इस रेंज में क्या वैल्यू है 0 से लेकर 2 इंडेक्स में, यानी कि इस रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 1 2 3, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे 1 2 3 को तो क्या आ जाएगा यार, इसमें तो कुछ भी नहीं आ जाने का, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आप कहां 1 2 3 तो हो गया क्योंकि 1 2 3 सब एरे, फिर आपने आप नेक्स्ट वाले पे पढ़ोगे यानी कि ये वाले पे 4 5 पे, जब आप नेक्स्ट वाले पे पढ़ोगे तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, अब लो कहां से कहां रखोगे आप यार, लो मेरा यहां पर आ जाएगा, लो मेरा यहां पर आ जाएगा, विच मीन्स लो क्या हो जाएगा, लो की वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू i प्लस k, क्यों, k की वैल्यू कितनी थी 3, अगर मैं कर दूं यहां से कि भाई जब मेरा ये पूरा हो जाएगा, ये तो मैंने कमेंट कर रखा है कि i की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी i प्लस k, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूं दोबारा से लो, लो पे दोबारा दूसरा सब एरे देखूं जो कि मेरा 4 एंड 5 है, तो अगर मैं लो यानी आई से स्टार्ट करूं तो आई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आई की वैल्यू आनी चाहिए 3 एट इंडेक्स 3, तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू पहले 0 थी, तो 0 में क्या ऐड करूं जो 3 आया, 0 में आप 3 ऐड करो, तो k की वैल्यू क्या है 3, तो 0 प्लस 3 विल बी 3, समझ रहे हो ना, i की सॉरी यार मैं हटा देता हूँ, बार बार ये परेशानी हो रही है, तो i की अब अगर मैं देखूं ये, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू पहले कितनी थी 0,
प्लस के, के की वैल्यू कितनी है 3, अरे के की वैल्यू तो 3 है यार, यहाँ पर आप देख सकते हो के की वैल्यू 3 है, तो 0 प्लस 3 इज व्हाट, दैट इज 3। तो अब जो आई आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई जो आपको मिलेगा ये अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई आपकी 3। आई की वैल्यू जो पहले 0 थी, आई की वैल्यू पहले कितनी थी 0, अब दूसरी आइटरेशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और के, के की वैल्यू कितनी थी 3, बट यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं 2 हैं, इसलिए हमने मिनिमम लिया। तो अगर मैं चलाऊं इसको, अब दोबारा से आओ, वाइल आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 इज लेस देन 5, यस, तो वाइल लूप में ही आप रहोगे। आपने रिवर्स को कॉल लगाई जिसमें क्या जाएगा एरे, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है अभी, यार आई की वैल्यू है अभी आपकी व्हाट, आई की वैल्यू है अभी आपकी 3, ठीक है जी, समझ ना, आई की वैल्यू कितनी है एरे, आई की वैल्यू है 3, मिनिमम ऑफ व्हाट, यानी कि मिनिमम ऑफ व्हाट, दैट इज मिनिमम ऑफ व्हाट, आई प्लस के माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी है 3, के की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5 कोमा व्हाट, एन, एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो मिनिमम ऑफ व्हाट, यानी कि 5, 4, यानी कि 5 और 4 में कौन छोटा है, 5 और 4 में 4 छोटा है, समझ रहे हो ना, मिनिमम ऑफ व्हाट, आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, अब आई की वैल्यू 3 हो गई थी, के की वैल्यू तो 3 है, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5, n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 5 और 4 में कौन छोटा है, तो 5 और 4 में अगर छोटा है तो 4 आएगा, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो एरे में क्या पास होगा, एरे में पास होगा एक एरे, तो लो कितना है जिसका 3 और हाई कितना है दैट इज 4, तो अब लो कितना है, यानी कि जो इसका लो आएगा, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जो लो अभी जो लो है यार, ये जो इसका जो लो है, दूसरे सब एरे का जो लो है वो कितना है, वो इंडेक्स 3 पे है, इंडेक्स 3 पे यानी कि आई इंडेक्स 3 पे, ठीक है, और जो जो उसका हाई है वो किस पे आएगा, इंडेक्स 4 पे आ जाएगा, समझ रहे हो ना, जो आपका जो लो है वो कौन सी इंडेक्स पे आएगा, वो इंडेक्स 3 पे आ जाएगा, यानी कि ये वाली इंडेक्स पे, जो कि i = 3, और हाई जो है वो इंडेक्स 4 पे आ जाएगा, यानी कि ये वाली इंडेक्स पे। फिर इसको आप रिवर्स करोगे, जब रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, रिवर्स करके आ जाएगा दैट इज 5 एंड दैट इज 4, तो आपका जो सब एरे है पूरा वो आपका रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना, और हर एक आइटरेशन में i = i + k होगा, ठीक है। मिनिमम हमने क्यों लिया था, क्योंकि यार i प्लस के यानी कि 6 माइनस 1 डेट इज 5 एन माइनस 1, इसलिए हमने ये मिनिमम रखा था क्राइटेरिया, जिससे लास्ट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर लास्ट में हमारे पास कम एलिमेंट रह जाते हैं या लास्ट में हम आते हैं तो मिनिमम हमें लेना ही पड़ेगा, जिससे हमारा क्वेश्चन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो क्या करवाया, एक रिवर्स फंक्शन था जो क्या करता है, एरे लेता है, ठीक है, एक लो लेता है यानी कि जीरो इंडेक्स, एक हाई लेता है यानी कि लास्ट इंडेक्स जो भी वो एरे है, और उसको स्वैपिंग करा देता है, और लो प्लस प्लस होता रहता है, हाई माइनस माइनस होता है, और आपका चलता रहता है, और जब भी लो बड़ा होगा हाई से तो वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और पूरा रिवर्स करा देगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, मेन फंक्शन पे आए, जो आपका मेन फंक्शन है वो क्या कह रहा है कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई जीरो पे लिया यानी कि जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक वाइल इज लेस देन एन यानी कि जीरो इज लेस देन फाइव। उसके बाद आपने क्या करवाया, रिवर्स एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू जीरो रखी, मिनिमम ऑफ आई प्लस के माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद आप क्या कराओगे, यानी कि i प्लस के यानी कि 0 प्लस 3 माइनस 1 यानी 2, 4, तो 2 है तो 2, 4 में से 2, तो एरे यानी कि लो 0 पे रखोगे आप, और हाई किस पर रखोगे, एट इंडेक्स 2 दैट इज एलिमेंट जिसमें 3 पड़ा हुआ है। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस के, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस के, आई 0 प्लस 3 विल बी 3 एट इंडेक्स 3 जिसमें 4 एलिमेंट पड़ा है, और जब i की वैल्यू n से बड़ी आएगी बराबर आ जाएगी तो आप वाइल लूप से बाहर निकल जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो इसका क्या आंसर आता है देखते हैं। तो जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, मैं देखता हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये मेरा एरे हाई हो गया, ये तो अच्छा, ये बहुत सही। तो जब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको अब क्या प्रॉब्लम है, तो ये आ रहा है आई प्लस के एरे मिनिमम ऑफ व्हाट, रिवर्स एरे आई मिनिमम ऑफ आई प्लस के माइनस वन। अच्छा, ये पूरा अब देखते हैं आता है आंसर नहीं आता। अब भी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, क्या प्रॉब्लम बता रहा है, क्या हो गया यार। रिवर्स आर ई वी ई आर एस रिवर्स एंड एरे वेक्टर लो। अच्छा यार, ये जो है ये मैंने इंट एरे लिया, इन्होंने लिया वेक्टर लिंक लॉन्ग इंट एरे, तो कंट्रोल सी, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कंट्रोल वी करा देंगे हम, एंड एरे इंट लो,
और ये जो आप लोग अब देखते हैं कंपाइल इंटर, समझ रहे हो ना, मैंने लिया था इंटर, इसमें था वेक्टर और वो भी लॉन्ग लॉन्ग इंटर डेटा टाइप, उसका लॉन्ग लॉन्ग था जिसका नाम एरे था, मैंने स्टैटिक एरे ले लिया था। देख सकते हैं बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है 32154, 32154, इसको जब हम सबमिट करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सारे टेस्ट केसेस वो पास कर देगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम एरे को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो या तो बैक साइड से ट्रेवर्स कर लो या फंक्शन लगा के कर लो, जो कि टू पॉइंट अप्रोच है जिसमें ऑर्डर ऑफ एन बाय टू उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, जो कि काफी एफिशिएंट है ऑर्डर ऑफ एन से। अब फिर आपने एक रिवर्स एरे बनाया, एक रिवर्स फंक्शन बनाया जिसको आप कॉल कर देंगे हर एक एवरी सब एरे में, ठीक है, जबकि आई की वैल्यू जब आप दूसरे सब एरे पे जाएंगे तो आई प्लस की हो जाएगी, और मिनिमम लेंगे जो के की वैल्यू है आई प्लस के माइनस वन एन माइनस वन, और जब आई बराबर या ग्रेटर देन एन आएगा तो आप उसको बाहर कर देंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे सॉरी, एंड देन आपका ये चल जाएगा। सर ये काफी वीडियो लंबी हो गई, हमने इसमें 4 से 5 क्वेश्चन देखे आई थिंक, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और क्वेश्चन करूंगा मैं, मेरा अप्रोच ये है, मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी क्वेश्चन हैं एरे में जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या आते हैं, सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ, सभी क्वेश्चन आपके साथ कराऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।